दिन दहाड़े अपराधियों ने चलाई भाजपा नेता के भाई पर गोली। 70-12 थाना क्षेत्र के बारीकू ऑपरेटिव कॉलोनी में हथियार बंद दो अपराधियों ने भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्यपति जलेश्वर साहू के भाई प्रमोद साहू पर गोली चला दी है। घटना की सूचना मिलते ही सेक्टर 12 की पुलिस एवं सिटी डीएसपी मौके पर पहुंची तथा मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना में किसी की भी हताहत होने की सूचना नहीं है। डीएसपी के मुताबिक घटना स्थल पर प्रमोद साहू घर बनाने का काम शुरू किए थे। इसी दरमियान दो युवक आए एवं काम बंद करने के लिए मजदूरों को मना करने लगे। इसके बाद घटनास्थल पर खड़े प्रमोद को भी सबक सिखाने की बात कहने लगे। इसके बाद दोनों के बीच कहासुनी होने लगी। परिजनों ने बताया कि इसके बाद अपराधियों ने पिस्तौल निकाला एवं एक गोली चला दी। हालांकि घटना में किसी की भी जख्मी होने की खबर नहीं मिली है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। डीएसपी ने बताया कि अपराधियों ने घटना को अंजाम देने के बाद दीवार से फांदकर भागने में सफल हो गए, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। उन्होंने कहा है कि गोली चलने की खबर की जांच की जा रही है। एक व्यक्ति ने घटना की वीडियोग्राफी भी की है, जिसके सहारे पुलिस शिनाख्त करने में जुट गई है। घटना भूमि विवाद से जुड़ी हुई है। बता दें कि कुछ दिन पहले भाजपा नेता जलेश्वर शाह को भी अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया था। इलाज के बाद वो सभी स्वस्थ हैं। आने के बाद यहाँ पे बैठा ये गाड़ी पे बैठने के बाद बोलता है मनोज सिंह माधाचूर कहाँ है, ये कहाँ है। उस खबर में 10 मिनट रुका। उस खबर में तुरंत वहाँ पे बोला काम बंद करो, ये लेबर लोग था, बोला बंद करो। हम लोग काहे बंद करो तो बोला पैसा नहीं पहुँचाया है। कौन बोला? लितेश सिंह वहाँ से चिल्ला रहा था और बरदेश पांडे। कितने की संख्या में लोग थे? कितने की संख्या में? उधर में तो बहुत थे, 8-10 आदमी थे, लेकिन दो आदमी नीचे उतरे थे, किसका हल्का हम वीडियो बनाए। हथियार किसके हाथ में था? हाँ, वाइट लाल करके शर्ट पहना हुआ ना, उसका भी था। क्या आप उसको जानते हैं? उसको हम जानते नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? प्रमोद भगत। जलेश्वर साहब जी का जमीन है और यहाँ पे बाउंड्री वॉल का काम चल रहा है। इसी काम चलने के दौरान कुछ व्यक्ति यहाँ पे आए हैं और जो काम करवा रहे थे उनको काम रोकने का बात बताए और धमकी देते हुए वो लोग चले गए। सर कितने की संख्या में थे? जैसा कि यहाँ पे घटनास्थल पे पहुँचने के बाद पता चला है कि दो लोग इस प्लॉट पे आए थे और 3-4 लोग पीछे वाले जो बाउंड्री उसके पीछे खड़े थे। सर कितने राउंड गोलियाँ चली? गोली चलने के विषय में थोड़ा सा सत्यापन कर लेते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसकी जो भी बातें निकल के आएंगी बताया जाएगा। घटना स्थल पर आप थे, क्या हुआ था घटना? घटना आया दो आदमी पार और गाली गुप्ता होने लगा प्रमोद से। उसके बाद एक आदमी दौड़ करके गया, पिस्तौल उधर से लाया और प्रमोद को पटका और पिस्तौल चलाया। कितने की संख्या में लोग थे? उन लोग को हम नहीं देखे, लेकिन हम दो आदमी को इस पार में देखे। उस पार में कितना था वो नहीं देखे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जो है